वन नंबर है। सही है। आपके पास जो मछलियाँ पड़ी है जरा इनका बताना है कौन सी नस्लें क्या है। ये कोफरा है, इसका 500 रुपए रेट है। ये दंगिया है, ठीक है, 350 से 300 रुपए किलो है। धोतर ये भी दंगिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 250 है। सही है। ओइरा पड़ा हुआ है, ये 450 है। सही। ये सारम पड़ा हुआ है 550, ये वाला 450, ये 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो। सही। ये 350। सही है। ये 1800 रुपए किलो, ये 1500। ये कौन सी वाली है? ये पापलेट है। पापलेट है, ये पापलेट है, ये भी पापलेट है। ये दंगिया है बड़ा वाला, कौन सा? ये वाला छोटा दंगिया है, ये 250। 250 रुपए। हाँ, ये पड़ा हुआ है, कौन सा? ये 1500 रुपए किलो, 1500 पापलेट, ये भी पापलेट है। ये बड़ा कोड़ू पड़ा हुआ है, ये 400 रुपए किलो है। मुश्का पड़ा हुआ है, ये 450। 450 रुपए किलो। जी भाई, ये देखे भाई, जबरदस्त। सही है भाई, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? शुक्र है, ठीक ठाक। बताओ यार, ये आपके पास कौन कौन सी मछली, इसके रेट क्या है इनके? तेली है, तेला मछी, दाली तेला मछी, तेला मुझे के क्या है इसका रेट? इसका रेट भाई 500। और इसका 300। ये कौन सी है? रहू। और ये कौन सी है? तेला। और ये? तेला। और ये? गुलफाम। गुलफाम। और ये वाली? ये भी गुलफाम है। गुलफाम है, तेला है। ठीक है, ठीक है। जेरी मछी है। आप कहाँ खड़े हुए, कौन सी जगह है? वन नंबर केमाड़ी, वन नंबर। वन नंबर है जी। अच्छा, नाम क्या आपका? शिराज। शिराज, ठीक है। शिराज भाई, जब भी किसी को मुझे चाहिए यहाँ आया करे, मुनासिब दाम लगाएंगे। सही है, सही है। ये क्या रेट है भाई? ये 400 रुपए किलो है भाई। ये कुकड़ है। ये क्या है? कुकड़। कुकड़। अच्छा, सही है। 400 रुपए किलो है, मुर्गी है। ओके। और ये? ये सेम एक ही चीज है। एक ही चीज है। अच्छा, ये उल्टी हुई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये वाली? ये गुलफाम है। गुलफाम तो दिखाना भाई। अच्छा, ताजी का कैसे पता चलता है? ताजा, इसका आंख फ्रेश होगा बिल्कुल। देखो ये, देख लो, कल पड़ा लाल सुरो मछली के ऊपर अपना लेस। इसका क्या रेट बताया? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो जी। बड़ा सस्ता है, बता रहे हो यार। मुनासिब रेट मिलेगा आपको। सही सही सही। ये सारम है। सारम क्या रेट है इसका? ये 400 रुपए किलो। ये भी बिल्कुल फ्रेश है, देख रहे हो, अभी तक मिट्टी भी इसके अंदर पड़ी है, बिल्कुल फ्रेश। ये ट्यूना फिश पड़ा हुआ है। इसका लाल भी होता है? इसका लाल होता है। इसका लाल गोश्त होता है। लाल होता, काला? लाल, लाल वाइट वाला है। ये वाइट है? हाँ, ये वाइट वाला है। येलो, येलो, ये येलो फिन है। येलो फिन है ना जी। और ये पीछे वाली कौन सी है? ये पापलेट है, चांद पापलेट। चांद पापलेट जी। इसका क्या रेट है? ये 350 रुपए किलो। और ये जो टूना का क्या रेट बताया? टूना 400 रुपए किलो। ये कौन सी मछली? ये गुलफाम है। ये भी गुलफाम है। अच्छा, वो छोटी है, ये बड़ी है? वो छोटा है, ये बड़े। रेट इसका क्या? ये 250 रुपए किलो। 250 रुपए। ये डमरा पड़ा हुआ है। सही। वो दंडिया पड़ा हुआ है। ये वाले जैसे यहाँ पे सस्ते ही रेट हैं, बाकी इलाकों में क्या रेट चल रहे होंगे? बाकी इलाकों में ये 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो है। आपके पास ताजी भी है और सस्ती भी है? ताजा भी और सस्ता भी। सस्ता भी है। और अगर कोई खाना चाहे तो यहीं से आपसे लेके सामने से बनवा के जी बिल्कुल वैसे कर सकता है। अच्छा, ये सर्दियों में इसके रेट बढ़ रहेंगे या अब इतने ही रहेंगे? अभी बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता रेट इसके ऊपर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ेंगे। जायके वाली अच्छी मच्छी है। ये चांद पापलेट पड़ा हुआ है इस वक्त हमारे पास। ये दंडिया पड़े हुए जी। ये दंडिया, ये वाला जी, ये खाने में सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी? सबसे अच्छी मछली है जायके की वजह से बना हुआ है। अच्छा, तो क्या प्राइस है इसके? ये 600 रुपए किलो। कांटे, कांटा इसके अंदर एक ही होगा, यही कंघी है इसके अंदर। एक कंघी है जी, एक कंघी है। हमारे बड़े बोलो कि ये जाते थे टोकरियों में बेचने के लिए। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से ये पूरी मार्केट बनी। दंडिया, दंडिया जायके वाली भी है? जायके दार, जायके सबसे अच्छा मछली है। अच्छा, सबसे अच्छा जायका। तेली, सही है। ये आपके पास माल कब आता है? मेरे कहने का मतलब है, कितना प्राइस होता है? हमारे पास सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान माल आता है। अच्छा जी, 8 से 10 बर्फ में लगा लेते जी, बर्फ में लगा लेते, फिर 2 बजे हम सेल करते हैं इसको। अच्छा, सही है भाई, बहुत जबरदस्त। ओके। ये जी कटाई हो रही है। हाँ, सो वाला। कटाई लगाओ।
टोना फिश की कटाई कर रहे हो भाई? ये सारम की कर रहे हो। सारम की हो गई, ये खाल उतारते हैं इसमें, ठीक है ना? ये कौन सी है? दंडिया। अच्छा चालीस रुपए किलो। चालीस रुपए किलो रेट बढ़ा दिया आज कल, पिछली बार यही रेट है। बड़ा मार्केट पे जाएगा ना वहाँ भी यही रेट। अच्छा पिछली में 15-20 रुपए रेट चल रहा था वहाँ पे। सर एक बात बता रहे लोगों को, वहाँ पे ये कचरा बिकते 40-50 रुपए किलो बन लेते। अच्छा सही है भाई, ये व्हाइट कुंडे जी। व्हाइट कुंडे अभी इस वक्त इसका रेट चल रहा है 800 रुपए किलो जी। ये हीरे अभी चल रहे 1000 रुपए किलो, मजीद बढ़ेगा अभी ये रेट। अभी तो थोड़ा बढ़ा है लेकिन अभी जो मौसम और ट्रेंड आएगा तो ये बढ़ेगा। ये शॉर्टेज बहुत आ रही है। ये दंडिये सही है, ये सैग वाला दंडिया, वो व्हाइट वाला पीले पर वाला, ये 700 रुपए किलो दुबई कुवैत एक्सपोर्ट होता है। सही जी 700। ये मुश्का 900 रुपए, मुश्का 900 रुपए, 900 रुपए। वो काला पापलेट है भाई, सही वो 1000 रुपए, 1000 रुपए 950 में भी दे देते हम लोग। और ये रेड स्नैपर जिसको बोलते है वो है, ये आपको 950 रुपए 1000 तक ये भी मिलेगा आपको 950। और साथ में वो मुल्ला पड़ा हुआ है जिसको अरबी में शेरी बोलते हैं, बलोच लोग भी शेरी बोलते हैं। ये 800-750 रुपए इसका रेट चल रहा है। ये सुरमाई है जिसको मैक्रो भी बोलते हैं और किंग फिश भी बोलते हैं। ये इस वक्त चल रहा है 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो। और ये माई माई अब्रूज फिंगर के लिए सबसे बेस्ट मच्छी है, कुदरती लेमन जायके है इसमें। सही ये इस वक्त चल रहा है 600-550, 600-550 जी। वो चांद पापलेट है, जलेबी बोलते हैं इसको। ये बाहर शहरों में व्हाइट पापलेट कह के देते हैं लोग, लेकिन है जलेबी। ये आपको पड़ेगा 600 रुपए किलो। ये वाली ये काला दंडिया है छोटा, ये इसी का नस्ल होता है, काला दंडिया होता है इसमें जी दंडिया। ये 450-500 में दे देते हैं हम लोग। इसमें बड़े जो है ना 600 तक होता है और ये 450। ये प्रॉन है झींगा, इस वक्त ये चल रहे 1100 रुपए किलो, 1100 रुपए जी, 1100 रुपए। मीडियम साइज है, न ज्यादा बड़ा है न छोटा है, सही दिल वाला साइज है। ये माई फिंगर के लिए सबसे बेस्ट मछली है। व्हाइट पापलेट साइज के ऊपर होते हैं, किलो में 4 दाने इस वक्त चल रहे 1800-1700 रुपए किलो। किलो में 3 दाने वाला 2000-2100, 4 2 दाने वाला, 3 दाने वाला 2500 तक चल रहे हैं। सही जी, रोज आते हैं, रोज बिकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख ले गाड़ी आया भाई का, मच्छी उतर रहे, देख ले इधर, रोज आते हैं, रोज बिकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस टेबल पर जितने भी मच्छी पड़ा हुआ है सारे जायके वाले, सस्ते में तो वो काला कुंड पड़ा हुआ है, वो भी 500 रुपए इस वक्त चल रहे हैं। ये वाला जी 500 रुपए किलो, ये वाला है। दो तीन मिनट याद आ गई जूम पे। मुश्का काट मैं उसके मैंने इसका
उसका चूरी होता है जो छपा हुआ नहीं था वो उसपे टेबल पे नहीं टेबल पे भी हो रहा है चिल्ली बड़ा सब तो काट क्या हो जाएगा तेरा।